All the viewers and the subscribers of the Career Easy channel, as we have told in our previous video, that we are going to start our lecture series, and the first subject of this lecture series is electronic devices and circuits. So students, electronic devices and circuits is somewhat, you know, is a boring subject. Some people think, and most of the students think that it's a boring subject. But jab tak hum jaan nahi lete iske bare mein, the problem is that we don't know the basics. We don't know from the very basic from where it starts. That's why it seems to be very, very, boring subject and all. सो आपने 2016 के बाद से ही या 16, 17, 18 में पेपर में देखा होगा कि EDC से रिलेटेड जो हैं वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम इन गेट. ESS में तो इतना नहीं आता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू नो अबाउट द वेरी बेसिक्स, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स की जो हैं वो लाइंस आती हैं, डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, तो गेट में तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का आ गया है. बाई लर्निंग द फॉर्मूलाज यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ गेट यू नाउ, बिकॉज स्टैंडर्ड इज रेजिंग डे बाई डे. एंड सो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उतना बोरिंग नहीं बनाएंगे, बहुत ही इसको बहुत ही बेसिक तरीके से, लेकिन शुरू से शुरू इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ठीक है, अगर हमें शुरू से शुरू अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 12th के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें आपने कुछ पढ़ी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे पहले EDC का टॉपिक होना चाहिए. राइट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम EDC के बेसिक करने के लिए जाते हैं. और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अगली वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं, ना ही आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब तक ये पिछली वीडियो से आप बेसिक नहीं सीखेंगे आपको अगली वीडियोज में कुछ समझ नहीं आने वाला है. वो तो सिमिलरली वैसा ही हो गया कि आपने फॉर्मूलेस पढ़े और वहां जाके लिख दिए. तो अगर आपको EDC अपने दिमाग में भी रखनी है कि आपको ना भूले, तो प्लीज़ बेसिक्स इन वीडियोस को देखें. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इन माय वीडियो, प्रीवियस वीडियो, दैट वील टेल यू दैट फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. सो रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, द रेफरेंस बुक विच आई एम यूजिंग इज जोनाल्ड ए नियमन, फोर्थ एडिशन, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस. सो इस बुक का क्या हमारा मेन क्राइटेरिया रहेगा कि इस बुक के हम सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस विल डू बोथ. राइट, सो आफ्टर डूइंग सम थ्योरी विल डू न्यूमेरिकल ऑल्सो. राइट, सो दैट इट डजंट सीम टू बी वेरी बोरिंग दैट वी आर डूइंग थ्योरी एंड ऑल, बट थ्योरी भी हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, दैट यू विल गेट लिटिल बिट इन EDC वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इट हैज बिकम माई फेवरेट सब्जेक्ट. Earlier I used to hate this subject because I didn't know that from where this electron and where this theory comes and all and nothing. So basically from where I have learned this EDC subject is by Dr. S. Karmalkar, Department of Electrical Engineering, IIT Madras. Inke video lectures, NEPTEL ke jo video lectures hai, 48 I think 44 video lectures hai. यूट्यूब पे उनसे सीखा है, जोनाल्ड ए न्यूमैन से. तो इन सब के एक रेफरेंस, इन सब की एक उसका कंक्लूजन जो है, जो मैं आपको इन वीडियोस में बताने जा रही हूँ. ठीक है, तो हम अब इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो जो मैंने आपको बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है वो डायरेक्टली आपका रिलेटेड नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली गेट और ESC से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपका आगे की फ्यूचर वीडियोस के लिए, आपका बेस बनाने के लिए. तो प्लीज इसको इंटरेस्ट के साथ देखें. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज क्वांटम मैकेनिक्स एंड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मेनली लाइट के लिए हमने प्रपोज करा था. ठीक है, जब हम लाइट के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे कि लाइट जो है वो एज अ वेव भी एक्ट करती है और एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है. जब इसकी जो है इसके बारे में रिसर्च की जा रही थी, उस रिसर्च टाइम पे हमें पता चला कि सिर्फ लाइट ही नहीं, हर एक जो मैटर है वो वेव से भी बना है, वो पार्टिकल से भी बना है. इन द सेंस ये नहीं बोलना, ये चीज गलत होगी कि वेव और पार्टिकल से बना है. ये कहना सही होगा कि दैट इट एक्ट लाइक अ वेव समटाइम्स एंड इट एक्ट लाइक अ पार्टिकल समटाइम्स. उस थ्योरी से हमें ये भी पता चला कि द इलेक्ट्रॉन, द वेरी बेसिक पार्टिकल of the solids, that is electron, shows both wave and the particle nature.
some phenomena I'll explain by the wave nature, some phenomena I'll explain by the particle nature, because there are many phenomena in EDC जहाँ की जिसकी थ्योरी समझने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एक्ट कर रहा है. बट बिफोर गोइंग टू दैट थ्योरी हमें पता होना चाहिए दैट वॉट इज अ वेव नेचर, वट वेव नेचर इलेक्ट्रॉन इज शोइंग, एंड वट इज द पार्टिकल नेचर विच इलेक्ट्रॉन इज शोइंग. राइट, तो हम पहले पता करेंगे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है क्या, क्वांटम थ्योरी क्यों आई, क्यों हमें ये इसकी ये सब चीजों में जाना पड़ा. लेकिन देखिए, हम इसके उतने बेसिक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि हमने हम इसकी अब हम दैट वाई वी आर यूजिंग वेव नेचर एंड वाई वी आर यूजिंग द पार्टिकल नेचर. राइट, सी दिस इज अ वेव. राइट, आई विल प्ले दिस वीडियो. दिस इज अ वेव. When we throw the stone on a water in a pond, then we'll get the wave. See, this is the wave. Wait. अब आप क्या मुझे बता सकते हैं इसकी wave की position क्या? What is the position of wave? ये position है wave की. ये एक wave बन रही है, circular wave बन रही है. ये position है wave की. ये position है. हम कभी भी wave की कोई position नहीं बता सकते. हम wave को पकड़ नहीं सकते हैं. It is not localized, right? Wave की कोई भी it doesn't have a specific or definite position. Right, it is not localized. तो हम कह सकते हैं wave is not somewhat a physical thing, right? When this is a property of wave that it is not localized and it doesn't have any definite position and a velocity, right? And it spreads. See, you are seeing that it is spreading, and after some time the wave will disappears, right? And this is a particle. Every matter, everything we एवरीथिंग अराउंड यू, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जितने भी चीज़ें आपके पास, वो कुछ ना कुछ छोटे 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 मैटर से बनी है. हम हर एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, हर एक चीज़ को तोड़ के इन छोटे 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 पार्टिकल से मिलके एक पूरा का पूरा कोई भी एक चीज़ है वो बनता है. ठीक है, लेकिन हम इस पार्टिकल की एक डेफिनेट पोजिशन है, हम इसको पकड़ सकते हैं इस पार्टिकल को, और इन ये पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते हैं. दे आर काउंटेबल. हाउ मेनी पार्टिकल्स हैव बीन कम्बाइंड टू फॉर्म सच अ मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेबल बने तो हाउ मेनी मीन्स वी कैन काउंट इट. राइट, सो पार्टिकल्स कैन बी काउंटेबल, दे हैव डेफिनेट पोजिशन एंड वेलोसिटी. राइट, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, कि अगर मैं कोई ये लेती हूँ, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और अगर ये जो मेरा पार्टिकल है चलते चलते आ रहा है और इस पर टकराएगा, तो यहाँ पर जाके स्टक हो जाएगा. लेकिन वेव्स ऐसे नहीं होती हैं, वेव्स यहाँ पर स्टक नहीं होती हैं, टूट के मतलब जब इस पर इंटरैक्ट करती हैं तो वो स्टक नहीं हो जाती हैं. वेव बेंड्स, आई विल शो यू हाउ वेव बेंड्स. नाउ सी, दिस इज अ डिफ्रेक्शन और यू कैन से बेंडिंग ऑफ वेव. यहाँ पे नलके से पानी नीचे गिर रहा है, ड्रॉप गिर रही है पॉन्ड में, तो यहाँ से जो वेव्स बन रही हैं वो इस ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है, ये वाली मेरी ऑब्स्टेकल है, मतलब ये इसके बीच में, ये देखो इतना, तो ये वेव क्या कर रही है, बेंड हो रही है. ऐसा नहीं है कि वेव इस ऑब्स्टेकल के अराउंड स्टक कर गई, इसके बाद आगे ही नहीं बढ़ रही है. देखो वेव कैसे बेंड करती है, वेव कभी भी रुकती नहीं है, स्टक नहीं होती है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव. राइट, और सबसे बड़ी जो और डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि नो टू पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम. एक ही समय पे एक ही जगह पे दो पार्टिकल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. राइट, बट सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे दो वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. ठीक है, यही मेन डिफरेंस जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया गया था, विच शोज दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर. राइट, इट मीन्स दैट कि वेव्स जो है, वेव की ये प्रॉपर्टी होती है कि वेव्स जो है वो एक पॉइंट पे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे एग्जिस्ट कर सकती हैं. ठीक है, तो ये तो है वेव की प्रॉपर्टी. सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वेव्स फॉलो करते हैं और जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल की हैं. तो जैसे ये डाइफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी वेव की प्रॉपर्टीज हैं. राइट, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी जो चीजें आती हैं, जो चीजें हम पढ़ते हैं, ये पार्टिकल नेचर पे हैं. तो कभी भी मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे बात करूंगी पूरी ईडीसी में मोमेंटम की, एनर्जी की, तो आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा एक पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था.
इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? जैसे एक एक दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, अगर मैं बोलूंगी कि वो पार्टिकल नेचर की, अगर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एक्ट करे, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग लाइक अ वेव, तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा द वेव्स आर प्रोड्यूसिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम थ्रोइंग स्टोन इन द रिवर और इन द पोन्ड, सो द हाउ द वेव्स आर, वाटर वेव्स आर फॉर्म, दिस इज हाउ द वेव्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो यही बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है. मतलब मैंने आपको डिफरेंस बताया, लेकिन हमें कैसे पता चला, हाउ डू वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर? सो नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट हाउ वी गेट टू नो दैट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ वेव, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कॉमेंट आवर चैनल. कुछ भी आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी रिगार्डिंग इसके कुछ है, तो प्लीज़ 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 पोस्ट इन अ कमेंट सेक्शन. विल कम बैक विद द न्यू वीडियो. टिल देन, थैंक्स.